अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर की एक बेहद ठंडी रात में शहर की सारी सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कैट इस वक्त क्लब में टेनिस खेलकर वापस घर जा रहा था। अचानक एक गली में से एक लंबा चौड़ा शख्स निकला और उसने कैट का रास्ता रोक लिया। कहाँ से आ रहे हो, उसने कैट से सख्ती से पूछा। कैट ने हैरान होते हुए जवाब दिया, क्लब से। उस शख्स ने दोबारा कहा, मेरा नाम रॉजर है, लेफ्टिनेंट रॉजर, तुम कहाँ रहते हो? कैट ने उसे जवाब दिया, सन बेला स्ट्रीट, मकान नंबर 205। वो सोच रहा था कि इतनी तेज ठंड में यह शख्स क्यों इतनी पूछकछ कर रहा है। तुम्हें मेरे साथ कुछ देर के लिए थाने चलना होगा, रॉजर ने कहा। लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है, कैट ने कहा। आज शहर में एक शख्स रेक्स्टर का कत्ल हो गया है, अखबारों में भी उसकी खबर आई है, उसकी तफ्तीश के लिए, रॉजर ने जवाब दिया। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझ पर शक कर रहे हो, कैट ने गुस्से से कहा। हाँ, रॉजर ने कहा, मुझे तुम पर शक है, इतनी तेज ठंड में तुम इतनी रात गए क्यों घूम रहे हो? देखो, तुम ख्वामख्वाह मुझ पर शक कर रहे हो। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और बेला स्ट्रीट पर अपनी बीवी लेनी के साथ रहता हूँ। तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने की ज़रूरत नहीं, मगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, रॉजर ने सख्त लहजे में कहा। और अगर मैं ना चलूँ तो, कैट ने जवाब दिया। चलना तो तुम्हें होगा, मुझे तुम पर अब पक्का यकीन हो चुका है कि तुम ही वही कातिल हो, रॉजर ने फौरन अपने हॉलस्टर से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। कैट मुस्कुराया और रॉजर की आंखों में झांकता हुआ बोला, अगर तुम मुझे ले जा सकते हो तो चलो। रॉजर जवाब देना ही चाहता था कि उसे यूं लगा जैसे कोई ताकत उसके दिमाग को जकड़ रही हो, और उसने बेइख्तियार मदहोशी के आलम में कैट के चेहरे से नज़रें हटाना चाहीं, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। अचानक उसे यूं लगा जैसे कैट की शक्ल बदल रही हो। धीरे धीरे कैट का चेहरा बिगड़ता चला गया, उसके ऊपर के दो दांत लंबे होकर ड्रैकुला की तरह बाहर निकल आए और उसकी शक्ल किसी चूहे की शक्ल से मिलने लग गई। उसके हाथ भेड़िए के हाथों की तरह हो गए और उसने रॉजर की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा दिए। रॉजर को यूं लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा हो। अचानक कैट ने एक खौफनाक चीख मारी और बौखलाकर पीछे हट गया। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि रॉजर को लगा जैसे पूरा शहर हिल गया हो। कैट के हाथ रॉजर के गले में लटकी हुई क्रॉस से टकराए थे। अचानक कैट पीछे हटकर गली की तरफ दौड़ा, लेकिन गली तक पहुंचने से पहले ही वो गायब हो चुका था। उसी लम्हे रॉजर को जैसे होश सा आ गया, उसने फौरन उस तरफ देखा और एक झुरझुरी लेकर रह गया, कैट गायब हो चुका था। दूसरे दिन अखबारों में रॉजर के बयान पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस उस खूनी कातिल के बारे में छपी थीं। रॉजर इस वक्त अपने दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था और कैट के बारे में सोच रहा था। कैट का हुलिया भी उसके कहने के अनुसार अखबारों में छपा था। शहर में डर की एक लहर दौड़ गई थी। पुलिस एक्टिव होकर उस कातिल को तलाश कर रही थी। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और रॉजर ने चौंकते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने ऊंची आवाज़ से कहा। मैं लेफ्टिनेंट बेंसन बात कर रहा हूँ रॉजर, इस वक्त मैं स्ट्रीट नंबर 34 में मौजूद हूँ, तुम फौरन यहाँ पहुँचो। रॉजर चौंकते हुए उठा और कैप उठाकर सर पर रखते हुए फौरन बाहर की तरफ लपका। स्ट्रीट नंबर 34 पर पहुँचने में उसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। वहाँ पहुँच कर उसने अजीब ही मंज़र देखा। लोग इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे, वो बहुत डरे नज़र आ रहे थे। रॉजर अभी खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक एक गली में से बेंसन निकला और फौरन रॉजर की तरफ लपका। रॉजर भी उसे देख चुका था।
रॉजर, बेंसन ने उसे पुकारा और कहा, यहाँ पर अभी 10 मिनट पहले एक और कत्ल हो चुका है। ओ, डिटेल बताओ, रॉजर ने कहा। मैं अपने मोटरसाइकिल पर यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। मैंने आवाज़ की तरफ का अंदाज़ा करते हुए मोटरसाइकिल उस तरफ मोड़ दी। स्ट्रीट नंबर 34 पर पहुँचते ही मुझे एक भयानक मंजर नज़र आया। एक आदमी जिसकी शक्ल कैट से मिलती जुलती थी, वो दूसरे शख्स से लिपटा हुआ था जो कि ज़मीन पर गिर के हाथ पांव चला रहा था। मेरे देखते ही देखते कैट की शक्ल बदलकर बहुत भयानक हो गई और उसने दूसरे शख्स की गर्दन में दोनों दांत घुसेड़ दिए और मैं उसे उस शख्स का खून पीते हुए साफ महसूस करने लगा जिसका नाम मिस्टर बेकर था। मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल सकी। मैं गूंगा होकर रह गया। अभी मैं इस हालत में था कि किसी ने फ़ोन पर पुलिस को खबर दे दी। कैट की शक्ल का वो आदमी बेकर का खून पीने के बाद उठा और मेरी तरफ पड़ा। मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। अभी वो मुझसे 2 कदम के ही फासले पर था कि अचानक मोबाइल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही उसने स्ट्रीट नंबर 35 की तरफ दौड़ लगा दी और गली में जाकर गायब हो गया। मुझे अचानक होश सा आ गया। मैं उसके पीछे दौड़ा मगर मुझे देर हो चुकी थी। वो गली में कहीं गायब हो चुका था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। बेंसन सांस लेने के लिए रुका। रॉजर कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे तो ये सब कुछ रहस्यमयी मामला लगता है। कैट कोई आम आदमी नहीं है। शायद उसमें किसी शैतान की आत्मा समा गई है, क्योंकि उसका हर कत्ल के बाद रहस्यमयी तौर पर गायब हो जाना एक असाधारण बात है। बेंसन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह रॉजर दफ्तर में मौजूद था कि अचानक उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने रिसीवर उठाने के बाद हेलो कहा। मैं मिसेस कैट बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। रॉजर फौरन चौंक कर उठा और कहा, मिसेस कैट, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम कल आपके घर पर गए थे मगर वहाँ ताला था। और मिस्टर कैट कहाँ हैं? उसने बेचैनी से पूछा। मुझे कैट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं 2 दिन हो गए अपने माँ बाप से मिलने गई थी और कैट घर पर था। मैं कल शाम जब घर पहुंची, उस वक्त से उसकी कोई खबर नहीं। न जाने वो कहाँ होगा। मैं बहुत परेशान हूँ। आप घर पर ही रहिए, मैं पहुंच रहा हूँ, रॉजर ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल संभाली और सनबेला स्ट्रीट मकान नंबर 205 की तरफ रवाना हो गया। लेनी बरामदे में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। अचानक उसे बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आई और फिर कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस लेफ्टिनेंट रॉजर मौजूद था। लेनी ने उसे अंदर आने का इशारा किया और एक तरफ हट गई। रॉजर अंदर दाखिल हुआ तो वो दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे बरामदे तक पहुँच गई। उसके बाद वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर सोचने के बाद रॉजर ने बातचीत की शुरुआत की और कहा, हाँ तो मिस लेनी, इस वक्त कैट कहाँ होगा? मुझे अगर इस बारे में कुछ मालूम होता तो मैं आपको जहमत ना देती, लेनी ने कहा। मैं 2 दिन हो गए अपने पेरेंट से मिलने गई हुई थी। कैट काम में बिजी होने की वजह से नहीं जा सका। कल मैं वापस लौटी तो शाम के 6 बजे थे। कैट को इस वक्त तक घर आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो 6 बजे दफ्तर से छुट्टी करके घर पहुंचता है और फिर डिनर करने के बाद रात को 9 बजे क्लब जाता है और फिर रात गए वापस आता है। मैंने सोचा शायद मेरे ना रहने की वजह से कैट जल्दी आकर क्लब चला गया हो, मगर रात को भी वो नहीं आया, इसलिए मैंने सुबह आपको फ़ोन किया। रॉजर ने लेनी को कैट के बारे में बताया कि वो किस तरह 2 कत्ल कर चुका है, लेकिन लेनी को यकीन नहीं आया
उसने कहा, कैट ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत नरम दिल इंसान है, मैं नहीं मानती। रॉजर ने लेनी को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी। आखिरकार रॉजर ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, जैसे ही कैट की कोई खबर मिले मुझे फ़ोन पर ज़रूर बता देना। ये कहकर वो खड़ा हो गया, कैप सर पर जमाई और बाहर दरवाजे की तरफ चल दिया। शहर में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ था और इस दौरान एक और शख्स कत्ल हो चुका था। कैट इस वक्त शहर के आखिरी सिरे पर बनी हुई रिहायशी इमारतों में से एक में मौजूद था, जो कि अभी वहाँ आबादी ना होने की वजह से खाली थी। वो इस वक्त बहुत परेशान था, वो पिछले 3 दिनों से परेशान था, जाने उसे क्या हो गया था। वो अब तक 3 कत्ल कर चुका था मगर उसे खुद इस बारे में परेशानी थी कि उसे क्या हो गया है। 3 दिन पहले वो शाम को दफ्तर से लौट रहा था कि अचानक उसे क्या हुआ कि उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसने यूँ महसूस किया जैसे उसके अंदर बेपनाह ताकत आ गई हो। उसने एक गली से गुजरते हुए अचानक एक शख्स को पकड़ लिया, फिर उसने अपने अंदर जैसे खून की तलब महसूस करते हुए ना चाहते हुए भी उस शख्स की गर्दन पर दोनों दांत रख दिए और उसका खून पीने लगा। वो ऐसा नहीं करना चाहता था मगर ना जाने कौन सी अनजानी ताकत उसे ये काम करने पर मजबूर कर रही थी। वो उस शख्स का खून पीने के बाद फौरन ही उठा और गली में दौड़ लगा दी। गली से बाहर निकलते ही वो घर पहुंचा तो अपनी नॉर्मल तबीयत पर आ चुका था। उसी दिन रात को वो क्लब से लौट रहा था कि लेफ्टिनेंट रॉजर ने उसे रोक लिया, लेकिन जब उसने उसे साथ चलने को कहा तो उसकी वही कैफियत होने लगी। लेकिन ना जाने क्यों जैसे ही उसने रॉजर के गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाए तो उसके गले में लटके हुए क्रॉस से टकराते ही उसे यूं लगा जैसे करंट का झटका लगा हो। फिर अचानक उसे कोई अनजानी ताकत दौड़ने पर मजबूर करने लगी और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन फिर कल जब उसने तीसरे शख्स का भी वही हश्र किया तो वो बहुत डर चुका था। घर जाने के बजाय उसने उन इमारतों में बसेरा कर लिया। अजीब बात यह थी कि उसे अभी तक खाने की तलब नहीं हुई थी। यही सोचते हुए उसे नींद आ गई और वो दुनिया जहां से बेखबर हो गया। शहर में खलबली मची हुई थी, पुलिस हर तरफ कैट को तलाश कर रही थी। 3 कत्ल होने के बाद शहर की पुलिस सुकून से नहीं बैठ सकती थी। रॉजर पुलिस मोबाइल के साथ सुबह लेनी के पास से वापस आने के बाद घूम रहा था मगर कैट का कहीं पता नहीं चला। वो अभी थका हारा वहाँ पर पहुँचा था। इस मामले को असाधारण समझते हुए ही उसने चर्च के पादरी एंडरसन से मुलाकात की थी और उसे कैट के बारे में सब बातें बताई थीं। पादरी ने सब हालात को देखते हुए यही कहा था कि उस पर किसी गुनाहगार शख्स की भटकती हुई आत्मा सवार हो गई है और उसका इलाज ज़रूरी है, वरना वह शहर के पासियों को रोज़ाना कत्ल करता रहेगा। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, वह चौंक पड़ा। उसने रिसीवर उठाया और लेफ्टिनेंट रॉजर स्पीकिंग, हेलो सर, मैं कांस्टेबल माइकल बोल रहा हूँ। कैट इस वक्त साउथ की तरफ शहर के आखिरी सिरे पर बनी हुई इमारतों में से एक में मौजूद है, आप जल्दी से यहाँ पहुँचिए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ, रॉजर ने बेताबी से पूछा। सर मैं मोबाइल के साथ कष्ट करता हुआ इस तरफ आया तो मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं इमारतों की तरफ ज़रूरत पूरी करने के लिए आया और जब मैं फ्री होकर मुड़ा ही था कि मुझे बराबर वाली इमारत के गेट के पास मिट्टी पर पैरों के निशान दिखाई दिए। मुझे क्यूरोसिटी हुई और मैं इमारत में दाखिल हो गया। जैसे ही पहले कमरे के पास पहुंचा, तो मुझे अंदर से किसी की झलक दिखाई दी। अंदर दाखिल होकर देखा तो वो कैट ही था जो बेखबर सो रहा था। मैं वापस लौटा और आपको खबर दी। तुम दूसरे सिपाहियों के साथ उसे घेरे रखो, उसे जगाना मत। अगर खुद जाग जाए तो उसे किसी न किसी तरीके से काबू किए रखना। मैं अभी पहुँच रहा हूँ।
रॉजर ने जल्दी से उठते हुए बाहर जाकर कांस्टेबल को जीप निकालने के लिए कहा और दौड़ता हुआ जीप में बैठ गया। उसके हुक्म के मुताबिक 6 कांस्टेबल भी दौड़कर जीप में बैठ चुके थे। इसके अलावा 8 कांस्टेबल दूसरी गाड़ी में थे। रॉजर ने ड्राइवर को तेज चलने का हुक्म दिया। चर्च के करीब वो गाड़ी रुकवा कर फौरन ही पादरी को साथ लेकर आया और वो दोबारा गाड़ी में बैठकर चल दिए। शहर के आखिरी हिस्से में पहुंचकर वो उस इमारत की तरफ लपके जिसके बारे में माइकल ने बताया था। इमारत के अंदर दाखिल होकर उन्होंने 4 कांस्टेबल को देखा जो बड़ी मुस्तैदी से यानी तत्परता से पोजीशन लिए हुए थे। माइकल के इशारे पर रॉजर ने उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए फादर के साथ और 6 कांस्टेबलों के साथ उस दरवाजे की तरफ लपका जिसकी तरफ माइकल ने इशारा किया था। कैट अंदर बेखबर सो रहा था। रॉजर ने अंदर दाखिल होने के बाद कांस्टेबलों को पोजीशन लेने का इशारा किया और खुद कैट के सर पर पहुंच गया। अचानक पादरी आगे बढ़ा और उसने कैट के पांव से टहोका दिया। कैट ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। अपने सामने पादरी, सर की तरफ रॉजर और चारों तरफ पुलिस के लोगों को चौकस खड़ा देखकर घबरा गया और उठ खड़ा हो गया। रॉजर ने पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन से लगा दी और कहा, कैट, हिलने की कोशिश मत करना। तुम इस वक्त हमारी गिरफ्त में हो और इस पूरी इमारत को पुलिस ने घेरे में ले रखा है। अचानक कैट की वही हालत होने लगी। उसके दिल से डर मिटता चला गया और उसमें ताकत बढ़ती चली गई। उसने एक खौफनाक ठहाका लगाया और रॉजर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगे रॉजर? लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ उसकी अपनी नहीं थी। वो बहुत भारी आवाज़ थी। वो खुद भी परेशान था। वो रॉजर को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था लेकिन उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ, अब तुम्हारी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है कैट। तुम क्या समझते थे 3 कत्ल करके तुम कानून के हाथों से बच जाओगे? नहीं, अब तुम्हें ज़रूर फांसी होगी। कैट ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस रात को भी तुमने यही कहा था ना, और अब भी यही कह रहे हो? रॉजर ने फौरन कहा, कैट, तुम नहीं भाग सकते। हिलने की कोशिश मत करना वरना भून दिए जाओगे। अचानक कैट का चेहरा खुद ब खुद बदलने लगा। उसके ऊपर के दांत निकल आए और उसकी शक्ल चूहे जैसी हो गई और उसके हाथ भेड़िए जैसे हो गए। रॉजर को जाने क्या हुआ, रॉजर ही क्या, 6 के 6 कांस्टेबल गूंगे होकर रह गए। उनके दिमाग किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिए थे। कैट रॉजर की तरफ दोनों हाथ बढ़ाते हुए उसे दबोचना ही चाहता था कि अचानक पादरी ने जेब से धागे में पिरोया हुआ क्रॉस निकाला और आगे बढ़कर कैट के जिस्म से लगा दिया। उसके हलक से भयानक चीख निकली और फौरन ही उसके जिस्म से एक भयानक शक्ल का साया सा निकला। उसकी शक्ल देखकर सारे लोगों की चीख निकल गई। ये वही शक्ल थी जो कैट पर कब्जा जमाए थी, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। उसकी चीख से पूरी इमारत गूंज रही थी। पादरी फौरन ही आगे बढ़ा और क्रॉस उसके गले में डाल दी। अचानक कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। चीख की आवाज़ सुनते ही सब लोगों को जैसे होश सा आ गया। रॉजर ने अचानक एक तरफ हटते हुए फायर की आवाज़ लगाई और कमरा तड़तड़ाहटों से गूंज उठा। गोलियां उस भयानक शक्ल भेड़िए के पूरे जिस्म में घुस गईं और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। कैट को रॉजर पहले ही उसकी जगह से हटा चुका था। उसके बिल्कुल उलट शैतानी चीखों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अचानक पादरी के चीखने की आवाज़ आई, रॉजर जल्दी से पेट्रोल मंगवाओ। और रॉजर ने आओ देखा ना ताओ फौरन बाहर की तरफ दौड़ा और अपनी जीप के पास पहुँच कर रुका। और फिर उसने वहाँ पेट्रोल का गैलन उठाकर वापस जाने में देर नहीं लगाई। कमरे में पहुँचते ही पादरी ने उस पेट्रोल को भेड़िए पर छिड़कने का इशारा किया
और रॉजर ने पूरा कैन उस पर खाली कर दिया। पादरी ने माचिस जलाकर तीली भेड़िए के ऊपर फेंक दी। दूसरे ही लम्हे भेड़िए के तड़पते हुए जिस्म ने आग पकड़ ली और उसकी कान को फाड़ देने वाली चीखों से पूरी इमारत हिलने लगी। कुछ देर बाद भेड़िया जलकर राख हो गया और रॉजर ने सुकून का सांस लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।